अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अच्छा किया मौलिक तूने, मैं तो डर रही थी कि तू काम बिगाड़ न दे, लेकिन नहीं, तूने तो काम बना दिया। अब देखते हैं 10 दिनों में वो कांजी वागेला हीरा तराशना कैसे सीखता है। क्या तोड़ निकाला बेटा तूने, यही तरीका है ऐसे लोगों से दूर रहने का। और वैसे भी बात तेरी सच है, ये गांव वाले गवार अनपढ़ लोग क्या जाने हीरा तराशना क्या होता है। वही तो बात है तरफ, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार पापा एंटवर्प से वापस आ जाए, उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें मैं कि भले ही इन लोगों ने हमें अपनी जमीन दी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उन्हें वो काम दे दें जिसके ये लोग लायक भी नहीं है, और ऐसा करके अपना खुद का नुकसान करा ले। सही कहा तूने बेटा, ये बारवटिया ना हमारे लिए कुछ कर सकता है ना ही किसानों के लिए, इसे तो सिर्फ छीनना आता है, जेल में सड़ने के लायक है ये। गर्व है मुझे तुझ पे बेटा। अरे वाह मेरी गुड़िया। बहुत अच्छी लग रही है बेटा, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक्स नानी। नानी मैं तो अच्छी लग रही हूँ, पर संतो कैसे लग रही होगी। बिरवा ने कहा है कि मुझे सुंदर लगना है, वहाँ उसके दोस्तों की माँ आएंगी, वो सब सुंदर लगेगी तो मुझे भी अच्छा लगना है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही हूँ। पता है मेरे गांव में इतना सुंदर आज तक कोई भी नहीं पता। लेकिन कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे सब्जी बनानी है। संतू तैयार हो गए तो? हाँ मैं तैयार हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है, और ये क्या पहना है? तुम ऐसे चलोगी मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में? क्यों अच्छी नहीं लग रही मैं? ये साड़ी तो मालिक ने दी है मुझे। साड़ी तो अच्छी है पर संतु को मैं तैयार करती हूँ। लेकिन बा मैं तैयार हूँ, और बिरवा तुमने भेंट ले ली है ना, तो फिर चलो। नानी तू जा ना बाहर, मैंने कहा ना तुझे जा। अपने संतु? हाँ नाना जी। और तूने ये काम वसुधा को सौंप दिया? नानी ने क्या बात है, अब देखना सारी फ्रेंड्स की मम्मी के सामने मेरी मम्मी का क्या वट होगा। वसुधा कहाँ रह गई? वो आने ही वाली थी कि सुरेखा मासी का फोन आ गया, उनसे बात करने लगी। अच्छा हाँ, सच कहूँ संतु, इतने सालों तक वसुधा ने मुझे तंग किया है, मगर आज उसने वो काम करके दिखाया है कि मैं सब कुछ भूल गया। बहुत अच्छे से तैयार किया है तुझे, हमेशा ऐसे ही रहना। ये धर्मराज ने साड़ी दी है ना,
जी। धर्मराज के सामने ऐसे ही पहन ओढ़ के रहना अच्छा लगता है कभी कभार। बिरवा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे ये तो देखो बनठन के पूरी हीरोइन बन गई है। कहाँ जा रही है? तेरे गांव में क्या त्योहार है क्या? ए आंखें मत दिखा समझी ना, जो पूछा है ना उसका जवाब दे। बिरवा, बिरवा के दोस्त का जन्मदिन है ना, मैं बिरवा के साथ वहीं जा रही हूँ। अच्छा तो तू इसे लेके जा रही है, मैंने मना किया था पता है ना। अब तू इतनी बड़ी होगी अपने निर्णय खुद लेगी? हाँ मेरे निर्णय के आगे जाएगी तू? तरू तूने बिरवा को मना इसलिए किया था कि वो अकेली जा रही थी, लेकिन अब वो उसकी माँ के साथ जा रही है ना, जाने दे उसे। पर बापू जा बेटा जा। चलो ना संतू देर हो रही है। क्या बाबूजी, ये गवार को क्यों भेजा आपने बिरवा के साथ? ये कीचड़ का कमल वहाँ क्या गुल खिलाएगा पता नहीं, वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, इसे अंग्रेजी तक बोलना नहीं आता, थंकू थंकू कहती रहती है, नाक काट देगी बिरवा की। नाक कट जाएगी अगर थंकू बोलोगी तो। मतलब देखो संतू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लोग तुम्हें देख के ब्यूटीफुल कहेंगे, और तुम क्या कहोगी बोलो? थंकू, वो ही तो, थैंकू नहीं थैंक्स बोलो, कहो थैंक्स, वेरी गुड। और हाँ अब बोलो हाउ आर यू। क्या अब वो क्या है? जब तुम किसी से मिलोगी ना तुम्हें बोलना है हाउ आर यू, बोलो हाउ आर यू, वेरी गुड। अच्छा बिरवा एक बात बताओ, ऐसे कौन से दोस्त का जन्मदिन है जिसके यहाँ तुम जाने के लिए इतने उत्साहित हो? ऐसे ही दोस्त का बर्थडे है ना, बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, उसके बर्थडे में नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? अब चलो चलो। बिरवा यहाँ तो सब बच्चे अलग कपड़े पहन कर आए, फिर तुम क्यों ऐसे? मुझे सबसे अलग दिखना था, और वैसे भी मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत पसंद है। ये बिरवा के साथ कौन है? अरे बिरवा की माँ है ये, बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ। चलो इनसे मिलते हैं, चलो ना। हेलो मिसेस मायावंशी, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक्स। हाय बिरवा। हाय पारुल। अच्छा सुन, तूने मेरा वो काम कर दिया ना? हाँ वो चीज जिस तक पहुँचानी थी मैंने पहुँचा दी है, पर अब आगे तू ही संभाल। ठीक है, पर तूने देखा उसे? I love you too, बिरवा। अक्षत, हम सब तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी नीचे आओ। हे अक्षत आ गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
हैप्पी बर्थडे अक्षत। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अक्षत। थैंक यू बिरवा, इसके लिए भी और उसके लिए भी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। पता है मैंने ये चनिया चोली स्पेशली तुम्हारे लिए पहनी है। तुम्हें ट्रेडिशनल चनिया चोली पसंद है ना? चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। चलो। संतु, ये अक्षत है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी। अक्षत, ये मेरी मम्मी है पर दोस्त ज्यादा है, इन्हें मैं नाम से बुलाती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये मेरी माँ है। जीते रहो। अच्छा अक्षत, तुम्हारी माँ कहाँ है? आंटी, जब भी घर में पार्टी होती है मम्मी किचन में ही रहती है, अब भी वही होंगी। अब गेम शुरू करें? हाँ चल। चलो। कौन सा गेम? यहाँ पे हम खेलेंगे गेम। तेजल, वहां जाके बैठना, मुझे यहाँ बैठना है। ठीक है बिरवा, हम यहीं बैठ जाते हैं। तो गाइस, अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम का नाम पासिंग द पार्सल, और इस पार्सल को आप पास करते रहना, और जैसे ही म्यूजिक रुके और जिसके भी हाथ में अगर पार्सल है उससे वो करना होगा जो हम चाहेंगे, और वो बाद में आउट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। नहीं नहीं, ये तो ट्रायल राउंड था, गेम कैसे खेलते ये समझाने के लिए। रियल गेम तो अब शुरू होगा। अजय, दोबारा से प्लीज। इसका क्या करूं मैं? इसमें जो लिखा होगा तुम्हें करना होगा। अरे, ये पढ़ क्यों नहीं रही है? इसे देखते ही लगता है कि इसे पढ़ना नहीं आता है। क्या मिसेस मायावंशी अनपढ़ है? मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमेशा माँ अपनी बेटी को पढ़ाती है, लेकिन बिरवा ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। अब मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ। मम्मी को ये पनिशमेंट मिली है कि उन्हें कविता गानी है। कविता? पर बिरवा, मुझे कोई कविता नहीं आती। कम ऑन मिसेस मायावंशी, कविता नहीं तो जोड़ोकनु गा दीजिए। मैं एक चांद गाती हूँ जो मैं हमेशा मेरी खेमी बेना के साथ गाया करती थी। आवरे बरसात, खेवरी बरसात, उनी उनी रोटली ने कारे लोनो शाक। मुंगी, ये देखो मालकिन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। क्या है ये? गोल पापड़ी। नाना जी देखिए,
संतु मैडम ने हमारे लिए गोल पापड़ी भेजी, और आप फटाफट अपना काम खत्म कीजिए ना। ये क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया? फटाफट अपना काम कीजिए और खा लीजिए खाना। काम फटाफट नहीं होता है, इस काम के लिए बहुत धीरज और तपस्या की आवश्यकता होती है। और काका, यही तपस्या सीखने के लिए तो आपके पास आए हुए हैं। अरे कांजी, आओ आओ। हाँ चलो मुंगी। अचानक यहाँ, और ये धीरे तराशने की बात? हाँ काका, बात ही कुछ ऐसी हो गई। अभी आज तक इस बारबटे ने बंदूक उठाया, आज मजबूरी में ये हीरा पकड़ना पड़ रहा है। हमेशा से बंदूक उठा के मैंने गरीबों की मदद की है, और आज उन्हीं लोगों के लिए आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ। मुझे 10 दिन में हीरा तराशना सीखना है। क्या 10 दिन में हीरे तराशना सीखना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है, 10 दिन में तो नामुमकिन है। काका, ये नामुमकिन शब्द मुझे बहुत पसंद है, इसे मैंने हमेशा नीचा दिखाया। ऐसी क्या बात है, क्या हुआ बेटा? धर्मराज के बेटे ने मुझे चुनौती दी काका, और मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया काका कि मैं ये चुनौती पूरी करके दिखाऊं। मैं मेहनत करने को तैयार हूं काका, दिन रात मेहनत कर सकता हूं मैं, पर मुझे 10 दिन में हीरा तराशना सीखना है। समझता हूं तुम्हारी बात, तुम किसान खेडूतों के भले के लिए सब करना चाहते हो, लेकिन इस काम के लिए तो बरसों की तपस्या चाहिए। 10 दिन में ये कैसे सीख सकते हो तुम? काका, ये काम मुझे 10 दिन के अंदर ही सीखना होगा। जामखंबाड़े किसानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए। चले गई है बिरवा। क्या हुआ आंटी, कुछ चाहिए? हाँ, वो बिरवा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आंटी, मैंने उसे इस कमरे की तरफ जाते हुए देखा। शायद वो डांस के लिए तैयार होने गई होगी। कौन सा डांस आंटी? वही डांस जिसकी तैयारी तुम लोग इतने दिन से कर रहे थे। स्कूल के बाद भी तुम लोग मिलते थे ना उसी के लिए, अक्षत के जन्मदिन के लिए उसे वो क्या कहते सरप्राइज देना था ना तुम लोग को। ऐसा तो कुछ नहीं आंटी, किसने कहा आपको? बिरवा ने। आंटी, ऐसा कोई डांस नहीं होने वाला, बिरवा आपको उल्लू बना रही है, वो ऐसा ही करती है। वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, उसके लिए हमने सरप्राइज डांस प्लान की है, उसी के लिए गई थी। माने मुझसे झूठ का? मैं तो अब तक समझ रही थी कि वो मुझसे सच कह रही। आखिर बिरवा ऐसा कर क्यों रही है, उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है? बताओ ना, तो मुझे क्या दिखाने के लिए यहाँ बुलाया? बताता हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। क्यों? मैंने फिल्म्स में देखा है, जब भी कोई हीरो हीरोइन को कुछ देता है तो पहले वो उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है, इसलिए तुम भी अपनी आंखें बंद करो प्लीज। ओके, कर ली। अब अपने हाथ आगे करो, अब अपनी आंखें खोल सकती हो।
ये रिटर्न गिफ्ट स्पेशली तुम्हारे लिए, किसी को बताना मत। थैंक यू सो मच। पर तुमने देखा मैं तुम्हारे लिए क्या लाई? मुझे टाइम ही नहीं मिला, लेकिन तुमने दिया है तो अच्छा ही होगा ना, क्योंकि तुम मेरी चॉइस के बारे में सबसे अच्छे से जानती हो, है ना? वो तो है, पर मैं तो जरूर देखूंगी कि तुम मेरे लिए क्या लाए। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। ऐसा थैंक यू नहीं कहते? मतलब तू तो कैसे करते है? किस करके? क्या करूँ ना, देखो कोई भी नहीं है, प्लीज।